हे दोस्तों, त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। इन त्योहारों के सीजन में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जो इन त्योहारों के सीजन में आप स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, क्योंकि इन त्योहारों के सीजन में ये बिजनेसेस अच्छे खासे चलते हैं। तो दोस्तों, अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेस्टिव बिजनेस है जिनको आप फेस्टिव सीजन में स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। पहला है सजावट के सामान का बिजनेस। जैसे दिवाली हो तो घरों पे सभी लोग सजाने का काम करते हैं, तो इसके लिए कागज प्लास्टिक से बनी चीज़ों को, मोमबत्तियों को, रंगोली को, झालर को, लालटेन वगैरह, इन सारी चीज़ों की खूब डिमांड रहती है। इन चीज़ों को बेचकर आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया सजावटी के सामान का बिजनेस। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए सजावटी के सामान के बिजनेस के बारे में, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप अपने इसी छोटा बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप बस लिख देना कि सजावटी के सामान का बिजनेस करना है, हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक लाइट का बिजनेस, जिसे हम कहते हैं डेकोरेटिव लाइट्स बिजनेस। चाहे आपका नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो या फिर दिवाली हो, ये तो हमेशा चलने वाला बिजनेस है। हर सीजन में कोई भी फेस्टिव सीजन हो या फिर किसी की शादी हो, कोई भी त्यौहार हो, ये चलने वाला बिजनेस है। इस पे मैंने डिटेल में बिल्कुल बात की। इस बिजनेस में, इस बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। कहाँ से आप बाई करोगे आप डेकोरेटिव लाइट, कहाँ से होलसेल में बाई करोगे, कहाँ से रिटेल में बाई करोगे, इस पे भी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। आप जाओ, क्लिक करो आई बटन पे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उस पर जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। पूरी डिटेल में हमने बात की है कि डेकोरेटिव लाइट के बारे में कौन कौन सा चीज़ है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने उसमें बात की है, और होलसेलिंग प्रोसेस के बारे में, रिटेलरशिप के बारे में बात की है। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैंने बात की है इलेक्ट्रॉनिक लाइट, जिसे हम कह रहे हैं डेकोरेटिव लाइट बिजनेस के बारे में। तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा, फटाफट वीडियो देख लो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो डेकोरेटिव लाइट बिजनेस के बारे में, तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे आके। हम डिटेल में और भी आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तीसरा है पटाखों का बिजनेस। पटाखों के डीलरों से पटाखे खरीद कर बेच सकते हो आप। जैसे चीन के पटाखों पर करीब करीब 30-35% से 50-30% तक मार्जिन होता है, जबकि भारतीय पटाखों में पहले होता था 30-35% मार्जिन होता था, अब है 25-30% मार्जिन बचा है। तो इस तरीके से पटाखों का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे पटाखों के बिजनेस पे भी मैंने डिटेल में बात की है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है। फटाफट आई बटन पे क्लिक करके देख लो आप, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके देख सकते हो। तो मैंने डेकोरेटिव लाइट पे भी वीडियो बना रखा है डिटेल में, मैंने पटाखों के बिजनेस के बारे में भी बता रखा है डिटेल में। तीसरा है आप पेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। डेकोरेटिव पेंट वगैरह जो होता है ना, तो अपने घरों को पेंट कराते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो फेस्टिव टाइप में करना चाहते हो ये बिजनेस, या फिर पूरे, अब तो साल भर पेंट का काम लगता है, कोई घर बनवाता है पेंटिंग होती है, तो पुट्टी होती है, उसके बाद पीओपी होती है, तो पेंट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। पेंट पे मैंने एक सीरीज भी बना रखा है, एशियन पेंट की डीलरशिप कैसे लें, नेरोलैक पेंट की डीलरशिप कैसे लें, बर्जर पेंट की डीलरशिप कैसे लें, इंडिगो पेंट की डीलरशिप कैसे लें, कंसाइन नेरोलैक के बारे में बताया, शालीमार के बारे में बताया, बहुत सारे डिटेल में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी पेंट बिजनेस सीरीज के बारे में। तो अगर आपको पेंट बिजनेस सीरीज देखना है, तो हमारे इसी छोटा बिजनेस यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पेंट वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट आप जाके वीडियो देख सकते हो इजीली। तो पेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी पूजा के सामग्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पूजा के सामग्री पे मैं डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे भाई पूजा के सामग्री कहाँ से खरीदे, तो देखो यार मैं पूजा के सामग्री का खरीदना कहाँ से आपको ये बता देता हूँ। देखो सदर बाज़ार आपका है दिल्ली में, आप सदर बाज़ार जाओ, आपको चांदनी चौक चले जाना है, चांदनी चौक से 20 रुपये लगता है सदर बाज़ार का, सदर बाज़ार जाके वहाँ 10-20 रुपये दोनों लग सकता है भाई। 10 रुपये में जाते हैं जब भीड़ कम रहता है, जब भीड़ रहता है 20 रुपये लेने लगते हैं भाई चांदनी चौक के। तो आप सदर बाज़ार जाओ चांदनी चौक से, उसके बाद वहाँ से पूजा के सामान ले सकते हो। बहुत सारे होलसेल रेट में बहुत सारे होलसेलर हैं। तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स चाहिए, तो आप बस कमेंट कर देना पूजा के सामान का बिजनेस करना है। तो क्योंकि नवरात्रि में भी पूजा के सामान का काम लगता है, चाहे दुर्गा पूजा हो वहाँ भी लगता है, दिवाली में भी लगता है। पूजा के सामान का बिजनेस जो अच्छा खासा आप कर सकते हैं, पूजा के सामान का उपयोग पूरे साल ही होता है, तो ये फेस्टिव सीजन का बिजनेस ही नहीं, पूरे साल चलने वाला बिजनेस हो सकता है पूजा के सामान का, तो ये भी काम कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है मिठाई और बेकरी शॉप का बिजनेस। तो मिठाई और बेकरी शॉप का बिजनेस आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए इस फील्ड के बारे में। अगर कोई आपके घर में इस फील्ड में है, तो आप इसमें घुसो, क्योंकि मिठाइयों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कहूँगा डायरेक्ट आप स्टार्ट करो ये बिज़नेस, मिठाइयों का काम है तो मिठाइयों का काम बहुत बारीकी वाला काम होता है, सब लोग ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत हुनर चाहिए होता है। तो मशीनें आ गई मिठाइयाँ बनाने के लिए भी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है मिठाइयों का बिज़नेस भी स्टार्ट करने में। बाकी बेकर्स का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो, बेकरी शॉप खोल सकते हो, क्योंकि अब तो बेकरी का भी काम ना ऑल टाइम चलने लगा है, मतलब पूरे साल चलने लगा है। बर्थडे हुआ किसी का, शादी में भी बेकरी का काम, कोई भी फंक्शन हुआ बेकरी के सामान,
किसी का बर्थडे हुआ, भैया बड़ा वाला गिफ्ट ले जाओ बेकरी का, आप तो डेयरी मिल्क का पैक दे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेकरी शॉप पे मिल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है बेकरी शॉप में, यही सब नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में जानना है, वीडियो देखना है, तो फटाफट आप कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि फेस्टिव सीजन में आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इन सभी बिजनेस में से जिस पे भी डिटेल में वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे दोस्तों, बस आप कमेंट कर देना। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।